नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। तुर्की सीरिया के बाद अब तजाकिस्तान की मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने लिया भूकंप स्थिति का जायजा। अमित शाह बोले कि कांग्रेस जेडीएस वंशवादी। कर्नाटक की सभा में कहा, एक तरफ मोदी की भाजपा, दूसरी तरफ राहुल के टुकड़े गए। शिंदे बोले, भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय। शरद पवार ने कहा था भाजपा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया। येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास का भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाऊंगा। संजय राउत बोले, जो पीएम नहीं कर सके वो जावेद कर गए। सामना मैगजीन में लिखा, वे सच्चे देशभक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सम्मानित करें। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का मुख्यमंत्री वाइस जगन मोहन रेड्डी पर हमला। बोली, साइको कर रहा है राज्य प्रशासन। ममता बनर्जी की पार्टी पर कांग्रेस का तीखा प्रहार। कहा, मेघालय में तृणमूल कुछ नहीं, कांग्रेस छोड़ने वाले लोग ही टीएमसी में हैं। एनआईए कोर्ट ने एमएलए अखिल गोगोई के खिलाफ फिर खोला मामला। सीए विरोध हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही थी एनआईए। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले हम चीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। गोरखालैंड को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा बंद और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। पी चिदंबरम का सरकार पर वार, बोले वो बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, G20 जिस आर्थिक विकास की तलाश कर रहा है भारत के पास उसका 15% समाधान। पीएम मोदी पर पवन खेड़ा के बयान पर विवाद जारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, मैंने कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के 4 न्यायिक अधिकारियों की याचिका खारिज। विजत एमएलए के खिलाफ विजिलेंस की जांच का रास्ता साफ। गया में मॉब लिंचिंग में एक की मौत, 2 घायल। चोर बताकर ग्रामीणों ने पीटा परिवार, बोला साजिश के तहत मार डाला। नेता विपक्ष के तौर पर धारदार नजर आए अखिलेश। 91 मिनट बोली, 5 पॉइंट में राजनीतिक मायने रखी। नेता विरोधी दल के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। ब्रजेश पाठक बोले, प्रदेश में कायम हुआ कानून का राज। मिशन 2024 में यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का फोकस। बूथ सशक्तिकरण के जरिए अवैध ब्याज रचना में जुटी है बीजेपी। जातिवार जनगणना पर मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, पूछा सरकार में रहते क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई सपा ने। गोरखपुर में युवक की पेड़ से बांध कर पिटाई की गई। चोर बताकर घंटों पीटते रहे लोग। गांव की लड़की ने चुपके से बुलाई पुलिस।
मिस्टर जावेद की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। मथुरा में नशे के कारोबार में बेटे और पत्नी देते थे साथ। ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर छात्रा की मौत। गोरखपुर में कोचिंग से घर लौट रही थी, अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्राली ने रौंदा। उन्नाव में नवी की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर मिला शव। चाचा ने कहा बेटी को कुचलकर मारा। कानपुर में 3 पुलिस वालों ने कारोबारी को लूटा 5 लाख रुपए। डरा धमका कर लूटे तीनों सस्पेंड, एक आरोपी कांस्टेबल करोड़पति। अवैध संबंध के शक में पत्नी को गड़ासे से काटा। बेड पर मिली खून से लथपथ लाश। पति बोला मार नहीं रही थी इसलिए मार डाला। दुल्हन के बाल कम है बोलकर भागा दूल्हा। वरमाला के बाद हुआ बवाल। रात भर पंचायत के बाद बिना दुल्हन लौटी बारात। कौशाम्बी में युवक की बंद कमरे में पिटाई। सीओ वीडियो दिखा, पीड़िता बोला 4 लाख रुपए वापस मांगने पर किया यह हाल। नगर में कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन में लगी आग। लखनऊ के निगम की 30 गाड़ियां जली। एनकाउंटर के बाद फूट फूट कर रोया बदमाश। गोली लगने के बाद बोला अब कभी नोएडा नहीं आऊंगा, 1 साल से वांटेड था। हाथरस में किराना स्टोर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मकान तक पहुंची, पीछे के रास्ते से निकला परिवार। कानपुर में डंपर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 2 युवक घायल। मोटर मालिक की कार ले जा रहे थे शादी में। सीतापुर के दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। बहराइच में युवती का अपहरण कर गैंगरेप, लंबे समय से चल रहा था फरार। बीएचयू की महिला प्रोफेसर को भेजा सैकड़ों अश्लील मैसेज। प्रोफेसर ने कराया एफआईआर, बोली मॉरिशस का छात्र कर सकता एसिड अटैक। एक प्रेमिका को पानी में, दो प्रेमियों में खूनी संघर्ष। गमछा से गला घोटकर हत्या, शव बोरी में भरकर गड्ढे में दफनाया। शादी के बाद पुत्र को संपत्ति से किया बेदखल। पीड़िता बोली दहेज के लिए पति का दूसरा विवाह कराना चाहते थे ससुराल वाले। जावेद की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। मथुरा में नशे के कारोबार में बेटे और पत्नी दोनों देते थे साथ। सूरत पुलिस पर गाजियाबाद में अपहरण की एफआईआर। आरोपी को बिना ट्रॉजर रिमांड ले गई थी पुलिस, कोर्ट ने दिखाई सकती। प्रयागराज में होटल के सामने बमबाजी, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। थाने से 200 मीटर दूरी पर हुआ हादसा। नकली नोट को असली बताकर करते थे ठगे। एसटीएफ ने बरेली से 27 लाख के नकली नोटों के साथ 3 को पकड़ा। देवरिया में फर्जीवाड़ा कर पोखरी की जमान पर प्लॉटिंग। एसडीएम ने खतौनी से नाम खारिज करने का दिया आदेश। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि मेला की तैयारी में जुटा प्रशासन। डीएम ने अधिकारियों के संग की बैठक, सफाई व लोगों की सुविधा के दिए निर्देश।
पिछले दिन से गायब मासूम की लाश नदी में मिली। सहारनपुर में परिजनों ने किया था हंगामा, हादसा या हत्या। आगरा से पूर्व बीडीएस का अपहरण, दक्षिणी बाईपास के पास जबरन बोलेरो में डालकर ले गए, लावारिस पड़ी मिली बाइक। मैनपुरी में ससुरालियों ने विवाहिता को पीट कर घर से निकाला पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। छह दिन से लापता बच्ची का मिला शव, परिजनों को बिना बताए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हंगामा हुआ। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस, 25 के बाद हितधारकों से संवाद करेंगे सीएम और वित्त मंत्री। सभी चार नदियों की वन स्वीकृति, 5 साल बढ़ी, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। उत्तराखंड को मिली तीसरी बैठक का भी जिम्मा, रामनगर में दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे मंथन। मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। पेपर लीक प्रकरण में 50,000 के इनामी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, पेपर उपलब्ध कराने के एवज में मांगी थी मोटी रकम। उत्तराखंड में बीबीडीओ भर्ती धांधली में यूके SSSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया की जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित जोशीमठ में चोरों का आतंक, रात के अंधेरे में घरों को बना रहे शिकार। उत्तराखंड में डीजे बजाने को लेकर भिड़े घराती व बराती, दरोगा समेत 1 दर्जन घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार में शादी में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, विदाई के बाद दूल्हा पहुंचा हवालात। उत्तराखंड में ज्यादातर क्षेत्रों में फिर चढ़ने लगा तापमान, अगले 2-3 दिन तक चटक धूप दिखेगी, करेगी सबको परेशान। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में फूल ले जाने पर लग सकती है रोक, होंगे और भी बदलाव, एसओपी होगी जारी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 6 फीट ऊंचे हिमखंड, बर्फ काटकर बनाया जा रहा रास्ता। उत्तराखंड में डेंजर जोन से नहीं गुजरेंगे तीर्थयात्री, खचरा नाली में ब्रिज पर जल्द शुरू होगी आवाजाही। उत्तराखंड में भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा यूके SSSC, 1-2-3 में जारी होगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम। उत्तराखंड में फर्जी डिग्रियां छापने वाली मुजफ्फरनगर की प्रिंटिंग प्रेस सील की गई, पुलिस को मिले गए दस्तावेज। भारत ने पाकिस्तान को घेरा, बोला पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह, हमें उकसाने का फायदा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे, G7 ने यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर $39 अरब की।
पाकिस्तान में न्यायपालिका पर खुलेआम जुबानी हमला, मरियम नवाज ने मन से सुप्रीम कोर्ट जजों को दी धमकी। मार्च को भारत आएंगे एंटनी ब्लिंकन, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल, 3 मार्च तक भारत में रहेंगे ब्लिंकन। अब पाकिस्तान में आए भूकंप, राजधानी इस्लामाबाद में कंपन, रिएक्टर रेट स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन का इजराइल पर हमला, नेतन्याहू की फौज के अटैक में 11 लोग मारे गए थे, हमास ने रॉकेट हमले से जवाब दिया। ताजिकिस्तान चीन के भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.8 रही तीव्रता। अफगान चीन बॉर्डर के करीब केंद्र, मोदी ने हालत की जानकारी ली है। अमेरिका के फ्लोरिडा में 2 फायरिंग, 3 की मौत, 9 साल की बच्ची और घटना की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार की मौत। यूक्रेन से बाहर निकले रूस, संयुक्त राष्ट्र जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास, भारत वोटिंग से रहा दूर। उत्तर कोरिया ने दिखाए परमाणु हमला करने की क्षमता, अभ्यास के दौरान किया 4 मिसाइल का परीक्षण। अजय बंगा बन सकते हैं वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष, बाइडेन ने नॉमिनेट किया, मास्टरकार्ड के सीईओ रह चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने की भारत की तारीफ, बिल गेट्स ने भारत को भविष्य की उम्मीद बताया। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट, पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, होल्ड, टोटल गैस के शेयर 5.5% टूटे। मर्सिडीज बेंच ने गूगल से मिलाए हाथ, अब मर्सिडीज बेंच की कारों में गूगल मैप्स और यूट्यूब भी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की एसईबीआई से मंजूरी, सोशल वर्क वाले संगठन का फंड जुटा सकेंगे। स्पाइसजेट 5% हिस्सेदारी बेच सकते हैं, कार्लाइल एविएशन $100 मिलियन बकाई को इक्विटी में बदलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडी हुआ लॉन्च, फुल चार्ज पर देगा 120 किलोमीटर तक की रेंज, कीमत 1.25 लाख रुपए से शुरू हुई। भारत अभी ब्राइट स्पॉट, IMF MD बोली ग्लोबल ग्रोथ में 15% का योगदान देगा भारत, पाक को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक घोटाले मामले में एक शख्स गिरफ्तार, 1000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी। श्रीलंका में मिला बड़ा प्रोजेक्ट, निवेशकों के कमजोर होते भरोसे को संभालने में मिलेगी मदद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में फिर दिल्ली नागपुर पिच का चर्चा, कहा आईसीसी की नजर में पिच एवरेज थी, परफेक्ट नहीं पर खेलने लायक नहीं। सीएम की देरी से नाराज हुआ महान टेनिस खिलाड़ी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री 2 घंटे देरी से पहुंचे, कोर्ट छोड़कर चले गए ब्यून पर। हैरी ब्रूक ने फिर जड़ा शतक, टेस्ट की 9 पारियों में बना चुके हैं 4 सेंचुरी और 3 फिफ्टी, स्ट्राइक रेट में 95+।
आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का दबदबा कायम, लगातार सातवीं बार फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में हार के बाद निराश हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर, बोली मैच हमारी पकड़ में था, ऐसे में हारने की उम्मीद नहीं थी। टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हराए, सातवीं बार फाइनल में भारी पड़ा हरमनप्रीत का रन आउट। भारत पहले फ्रेंचाइजी बाद में आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की वापसी की चर्चा पर आकाश चोपड़ा की तोड़। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड जारी, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श की टीम में वापसी, 17 मार्च को पहला मुकाबला। हरभजन सिंह के बाद गौतम गंभीर ने भी किया केएल राहुल का बचाव, कहा रोहित शर्मा को देखिए वो भी खराब दौर से गुजरा है। बॉक्सर पूजा और जिनका आकाश परिणय सूत्र में बने, भिवानी में देर रात तक शादी का धूमधड़ाका, दोस्तों संग लगाए ठुमके। जावेद अख्तर के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर अली जफर का रिएक्शन, बोले ऐसी टिप्पणी असंवेदनशील है। अक्षय कुमार छोड़ रहे कनाडा की नागरिकता, अब उनके पास होगा भारत का पासपोर्ट। नवाजुद्दीन को बच्चों की कस्टडी मिलने में दिक्कत, लेकिन दहेज प्रताड़ना की याचिका में राहत। जिम में इंटेंस वर्कआउट करती दिखे मुमताज, 75 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पर किया डेब्यू, वीडियो देख फैंस हुए हैरान। पाकिस्तान से लौटने के बाद जावेद अख्तर बोले 26/11 हमले वाली बात पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। जैकलिन फर्नांडीज ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, पैंथर ड्रेस में दिए बेहतरीन पोज, फैंस बोले इंडियन काइली जेनर। शहजादा का शाहरुख खान से कनेक्शन, जवान के स्टंट डायरेक्टर अनिल अरसू ने डिजाइन किए फिल्म के एक्शन। पाकिस्तान में मनाया गया बॉलीवुड डे, कोई स्टूडेंट बना चुलबुल पांडे तो कोई बना देवदास। ओरिजिनल फिल्म छोरी 2 की कहानी, लीड एक्टर कुलदीप बोले पहले से ज्यादा मजबूत होगी नुसरत फरूचा का रोल। चटर्जी वर्सेस नार्वे का ट्रेलर हुआ रिलीज, मां के दमदार रोल में नजर आएंगी रानी मुखर्जी, 17 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी ये फिल्म। फिलहाल शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।